हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं एड्रेसिंग मोड जो 8085 का है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल में 6 सेमेस्टर में जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसका टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086, मतलब हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जितने भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम कैटेगराइज करेंगे, और कैटेगराइज करके हम उसको ये समझेंगे कि वो किस किस मोड में उसे ऑपरेट किया जाता है, उसका क्या क्या नाम होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एड्रेसिंग मोड के नाम लिखे हैं, उसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि वो किस कैटेगरी में आता है हमारा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया हमारा, 5 टाइप के हमारे पास एड्रेसिंग मोड होते हैं जो 8085 के हैं। पहला जो होता है हमारा इमीडिएट हमारा जो एड्रेसिंग मोड होता है, जिसमें हम डेटा को डायरेक्टली इमीडिएट दिया जाता है वाला इंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ एक इंस्ट्रक्शन है जो कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। तीसरा जो हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। चौथा हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, और पांचवा हमारा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 एड्रेसिंग मोड है। इन 5ों एड्रेसिंग मोड का हम फीचर्स जानेंगे कि किस किस फीचर्स वाले हमारे इंस्ट्रक्शन सेट को हम किस किस मोड पर एड्रेसिंग मोड पर रखेंगे। तो लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि किस तरीके से हमारा एड्रेसिंग मोड कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला जो है हमारे यहाँ पर देख रहे हैं हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को हम यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या फीचर होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमारे पास जो वो सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं जिसमें हम कोई डेटा को डायरेक्टली हम देते हैं, मतलब हम किसी रजिस्टर में या किसी रजिस्टर में हम कोई वैल्यू को डालना चाह रहे हैं, या किसी मेमोरी में किसी वैल्यू को डाल रहे हैं, या किसी का एडिशन कर रहे हैं, जहाँ हमारा कोई ऐसी वैल्यू जो डायरेक्टली एडिशन के लिए या कहीं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि रजिस्टर से किसी मेमोरी में या मेमोरी से रजिस्टर में, इस तरीके का कोई फीचर्स वाले जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, जहाँ पर इमीडिएट डेटा या वैल्यू दी जाती है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि होता है MVI इंस्ट्रक्शन से आप जानते होंगे कि MVI में हम करते ये हैं, यह MVI का मतलब होता है मूव करना। ये मूव करवाने का इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद जो हमारे पास जो होता है I, वो इमीडिएट डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इमीडिएट डेटा मीन्स हम वहां पर डेटा प्रोवाइड करेंगे जो कि पर्टिकुलर सोर्स से डेस्टिनेशन जाएगा। तो हमारा सोर्स यहाँ पर डेटा होता है जो डायरेक्टली हम दिया देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ A,C3। तो यहाँ पर जो A,C3 जो लिखा गया है, C3 हमारा यहाँ पर डेटा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे वो डेटा हमारा 8 बिट का है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमको जो जैसा इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उसके आधार पर ही हम डेटा का प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमारा जो डेस्टिनेशन है 8 बिट का डेस्टिनेशन है, इसलिए हम यहाँ पर 8 बिट का ही डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डेटा जो दिया जा रहा है डायरेक्टली हम इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में भेज रहे हैं। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ है कि ए में हमारा C3 डेटा चला जाएगा डायरेक्टली। तो इस तरीके से ये 8 बिट का डेटा जो डायरेक्टली दिया गया है उसे इस तरीके से लिखते हैं। यदि आपको लिखना है कि हमारा इमीडिएट डेटा डायरेक्टली 16 बिट का हो तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम LDI लिखते हैं। अब LDI लिखने के बाद हमको यहाँ पर LXI लिखते हैं। LXI लिखने से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, L का मतलब होगा लोड करना है, X का मतलब होता है 16 बिट डेटा को। 16 बिट टाइप के डेटा हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होगा वो 16 बिट का डेटा होगा, और ये हमारा फीचर होगा कि हम उसको इमीडिएट देंगे। तो ये इमीडिएट के लिए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो इमीडिएट डेटा दिया जाएगा 16 बिट का दिया जाएगा और वो लोड होगा। तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, अगर हम LXI लिख रहे हैं तो LXI के बाद रजिस्टर पेयर लिखा जाता है, इसका
फॉर्मेट इस तरीके से होता है, रजिस्टर पे या एंड कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 16 बिट का डेटा, तो 16 बिट का डेटा देते हैं। तो अब की बार हम इस इंस्ट्रक्शन के दौरान हम इमीडिएट डेटा जो कि 16 बिट का दे रहे हैं, इसके लिए एग्जांपल के तौर पे एल एक्स आई बी कॉमा एफ 300। अगर हम ये एग्जांपल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बी रजिस्टर में हमारा 16 बी रजिस्टर जो है रजिस्टर पेयर अब यूज किया जाएगा बी सी रजिस्टर पेयर, और बी सी रजिस्टर पेयर में डेटा चला जाएगा एफ 300। तो यहाँ पर इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि इमीडिएटली डेटा दिया जाता है, जिसका डायरेक्टली हम उस इंस्ट्रक्शन में फॉलो करते हैं इमीडिएट डेटा को, तो उसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए डी आई और यहाँ पर लिख रहे हैं 36, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये ऑपकोड है और ये ऑपरेंड है, तो ऑपकोड ऑपकोड में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो दिख रहा है हमारा जो डेटा है हमारा जो डेटा 36 है वो एक्यूमेटर के साथ 36 एडिशन होता है और उसके बाद एक्यूमेटर में उसका आंसर चला जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं ये 36 हमारा डायरेक्टली इमीडिएट डेटा दिया जा रहा है जो कि इसमें डायरेक्टली एडिशन होगा। तो ये हमारे इस टाइप के फीचर्स होते हैं जो कि इमीडिएटली जो डेटा को प्रोवाइड किया जा रहा हो किसी भी इंस्ट्रक्शन में उसको बोला जाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इसका एक और तरीका है पहचानने का कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हमारे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आएंगे, इसके हर एक इंस्ट्रक्शन के आखिरी में जो होता है आई लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हैं आई लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आई लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम जितने भी इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए हैं उसमें अगर हम आखिरी में अगर आई देख पा रहे हैं तो आई का मतलब हो रहा है वो हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि आई लिखने के बाद हमको एक डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है इमीडिएट डेटा जो कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। चलिए आइए आगे देखते हैं हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जो कि हमारा सेकंड वाला है, सेकंड दूसरे टाइप का जो हमारे पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। जैसे कि नाम ही हमको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर रजिस्टर रिलेटेड हमारे पास एड्रेसिंग मोड होंगे, जहाँ पर ऐसे इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाएगा जहाँ पर सिर्फ रजिस्टर्स को यूज़ किया जा रहा हो, जैसे हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही रजिस्टर होंगे। जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है एग्जाम्पल के लिए Move B, C, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ऑपकोड मूव करने का इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ऑपरेंड जो कि B और C है जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही हमारा रजिस्टर टाइप है। तो यहाँ पर इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। यहाँ पर रजिस्टर टू रजिस्टर शिफ्टिंग या फिर रजिस्टर टू रजिस्टर बेस्ड हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उनको कहा जाता है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर इस चीज को समझेंगे, तो हमको यहाँ पर देखना है कि डेस्टिनेशन और सोर्स, इसमें जरूरी नहीं है कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो कि डेस्टिनेशन भी प्रोवाइड करे और सोर्स भी प्रोवाइड करे। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर टू रजिस्टर होते हैं बट वहाँ पर सोर्स बाय डिफॉल्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट होता है तो उस केस में हम ये लिखते हैं कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं जैसे XTHL। तो XTHL एक इंस्ट्रक्शन होता है, XTHL इंडिविजुअल अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें ये कहा जाता है कि एक्सचेंज होता है हमारा डेटा एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर XTHL में एक्सचेंज होने के लिए हमारे पास SP रजिस्टर होता है और हमारा HL रजिस्टर होता है, तो SP और HL का जो कंटेंट है जो डेटा है वो इंडिविजुअल एक दूसरे में स्वैप हो जाता है। तो इस केस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा स्टैक पॉइंटर और
एचएल रजिस्टर, दोनों रजिस्टर पेयर का जो डेटा है इंडिविजुअली एक दूसरे में स्वैप हो जाते हैं। तो इस केस में भी हम यहाँ पर कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमारा सोर्स बाय डिफॉल्ट एसपी और एचएल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली डिफॉल्टली हमारा सेट रहता है। हमको इस इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा ये डेटा जो होता है एक दूसरे से स्वैप हो जाता है। तो इस इंस्ट्रक्शन में भी रजिस्टर टाइप के इंस्ट्रक्शन को यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमको सोर्स और डेस्टिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमको वो चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमारा इंस्ट्रक्शन के दौरान जब हम कोई ऑपरेट या ऑपरेंड लिख रहे हैं तो उसमें हमारा रजिस्टर रजिस्टर होना चाहिए, या फिर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद हमारा जो भी प्रोसीजर हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो रजिस्टर टू रजिस्टर होना चाहिए। तो उस टाइप के इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। आगे देखिए हमारा थर्ड टाइप का है जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो यहाँ पर इस चीज को देखेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है हमारा एड्रेस रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, उसमें कोई भी जैसे मूव करने वाला इंस्ट्रक्शन होगा या कोई डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पर जो एड्रेस को दिया जा रहा होगा वो एड्रेस डायरेक्टली दिया जा रहा होगा, तभी हमारा इंस्ट्रक्शन काम करता है। और तो यहाँ पर हमको ये चीज देखना होता है कि हमारा एड्रेस जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो एड्रेस क्या डायरेक्ट है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं LDA C020, तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हम ये कराना चाह रहे हैं कि हमारा जो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक्यूमुलेटर में B3 एक डेटा है, इस डेटा को हम चाहते हैं कि C020 एड्रेस में ये शिफ्ट हो जाए। तो इस एड्रेस में, इस मेमोरी लोकेशन में ये डेटा इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है B3। तो इस तरीके से हमारा ये इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो इस इंस्ट्रक्शन में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, उस लोकेशन को हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं किसी अनदर मीडियम से, या किसी और रजिस्टर या किसी और तरीके से हम इसे प्रोवाइड नहीं कर रहे। हम कर ये रहे हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, इस एड्रेस पे हमको वो डेटा हमको लेना है या देना है। इस तरीके से हमको ये इस टाइप के इंस्ट्रक्शन जिसमें हम एड्रेस को डायरेक्टली, उस एड्रेस को इमिडिएटली डायरेक्टली दिया जाता है, तब इस केस में इस तरीके के इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा इंस्ट्रक्शन जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो यही सी के रिलेटेड आता है। तो इसमें जो सेकंड पार्ट में अगर हम समझ सकते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमको यहाँ पर, अब जो ये एड्रेस पर हमने डायरेक्टली दिया है, अब ये डायरेक्ट हमको नहीं मिलेगा, अब हम इसको यूज करेंगे किसी अनदर रजिस्टर में हमारा एड्रेस रखा होगा वहां से हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो उस चीज को कैसे किया जाता है, तो हम लिखते हैं L। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लिखते हैं मूव A, M। तो यहां पर अगर ये इंस्ट्रक्शन लिख रहा है तो ये यहाँ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली M जो होता है हमारा, M डिनोट करता है कि HL पेयर में रखा हुआ जो डेटा है वो एज अ एड्रेस यूज होगा, और उस एड्रेस में हमको यहाँ का जो जो डेटा रखा होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देख पा रहे हैं कि मान लीजिए हमारा एड्रेस जो C301 है, तो C301 एक्चुअली हमारा HL पेयर रजिस्टर में C301 होना चाहिए, तब ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमारा ए रजिस्टर में यहाँ का डेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ का डेटा होगा A5, तो यहाँ पर A5 हमारा डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर है और मेमोरी हमारा यहाँ पर सोर्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा इस केस में हमारा एड्रेस को डायरेक्टली दिया गया था, और इस केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारा एड्रेस जो है ये एड्रेस किसी अनदर रजिस्टर के अंदर रखा हुआ है। तो वो रजिस्टर के अंदर रखी हुई डेटा को हम एज अ मेमोरी लोकेशन यूज करते हुए वहां से डेटा लेने और देने का काम करते हैं। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
तो ये हो गया हमारा, इस टाइप से कैटेगराइज किया जाता है कि हमारा एड्रेस कहाँ से आ रहा है, एड्रेस क्या इनडायरेक्ट आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है, उस केस में उस तरीके से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो दिया हुआ एड्रेस है वो किस तरीके से जाएगा। आगे देखते हैं हमारा जो एक और इंस्ट्रक्शन है, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इस केस में हम देखेंगे इम्प्लाइड में जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है हमारा, जो हमारा फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है जो कि इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में हम किन इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे वो चीज को देखते हैं। तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में वो इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है जिसमें सिर्फ ऑपकोड होता है, ऑपरेंड नहीं होता है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं RAL, तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम ऑपकोड दे रहे हैं, ऑपरेंड नहीं दे रहे हैं। मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट इस इंस्ट्रक्शन में सेव है, या इसमें वो इंस्ट्रक्शन इनबिल्ड है कि इसको करना क्या है। जैसे कि इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमको करना ही होता है कि एक्यूमलेटर में जो रखा हुआ डेटा होता है उसको इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमको रोटेट करना है, एक्यूमलेटर का डेटा लेफ्ट की तरफ। तो मतलब पूरा डेटा हमारा सिंगल बिट इस तरीके से रोटेट होता हुआ जाएगा और एक कैरी फ्लैग में भी जाता है। तो ये होता है हमारा रोटेट लेफ्ट होने का इंस्ट्रक्शन। अब इस इंस्ट्रक्शन में हम ना ही सोर्स दे रहे हैं ना डेस्टिनेशन दे रहे हैं, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ सेट है एक्शन, यहाँ पर सेट है कि हमको एक्यूमलेटर का डेटा को रोटेट लेफ्ट करना है। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जिसमें हमको कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ऑपकोड होता है, ऑपरेंड नहीं होता है, जैसे कि हॉल्ट होता है, इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है कि हमारा ये इंस्ट्रक्शन इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा एड्रेसिंग मोड, जो 5 टाइप के होते हैं। इन 5 टाइप के एड्रेसिंग मोड से हम सारे इंस्ट्रक्शन जितने हमने इंस्ट्रक्शन सेट पढ़े हुए हैं उसे डिफरेंट मोड, एड्रेसिंग मोड में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको और भी 8085 रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगा। तो ये एड्रेसिंग मोड के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।